Welcome back to my channel. So guys, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 अलस अग्रवाल की बुक से गाइज न्यू एडिशन से चैप्टर 19 प्रोवेंटिव एक्सरसाइज 19 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर इज गिवन दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम कंटेन्स 53 संडे. गाइज ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है एंड कॉम्पिटिशन के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है. सो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व किया था उसमें गाइज आपको ऑर्डिनरी ईयर दिया था, यहाँ पर आपको लीप ईयर दिया है. सो जैसे कि मैंने आपको बताया है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी ईयर एंड लीप ईयर, जानते हैं ना आप लोग अच्छे से. ऑर्डिनरी ईयर का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी ईयर का मतलब होता है हमारा 365 डेज, राइट. बट यू हैव टू गिवन लीप ईयर, राइट. लीप ईयर में कितने डेज होते हैं गाइस? 360 डेज. लीप ईयर में कितने डेज होते हैं हमारे? 360 डेज. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लीप ईयर एंड ऑर्डिनरी ईयर. इसको हम नॉन लीप ईयर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये लीप ईयर है. तो ऑर्डिनरी ईयर को हम क्या बोल सकते हैं? नॉन लीप ईयर भी बोल सकते हैं, राइट. तो यहाँ पर आपका बिकॉज बात हुई है किसकी? लीप ईयर की. लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं. इट मीन्स इन 366 डेज देयर आर 52 weeks and 2 days. क्या होगा guys? 52 तो वीक होंगे, ठीक है. 52 वीक्स एंड 2 डेज मीन्स आपके 52 वीक्स होंगे जिसमें आपके संडे मंडे ट्यूजडे सभी 52 टाइम्स आए हुए होंगे एंड 2 ही डेज होंगे, राइट. आपसे क्या पूछा है? संडे होने की, 53 संडे होने की, ठीक है. अब गाइज यहाँ पर हम देखते हैं इन 52 वीक्स, इन 52 वीक्स देयर आर 52 संडेज. ये बात क्लियर है? 52 वीक्स में 52 ही संडे होंगे, 52 ही मंडे होंगे, 53 ही ट्यूसडे होंगे, 54 ही थर्सडे होंगे, सॉरी 52 ही थर्सडे होंगे, 52 ही फ्राइडे होंगे, 52 ही आपके सैटरडे होंगे, सभी 52 ही होंगे. 52 चाहे ट्यूसडे की बात करें, चाहे वेडनेसडे, चाहे थर्सडे, चाहे फ्राइडे, सभी 52 ही होंगे 52 वीक्स में. बट जो ये बाकी बचे हुए हैं 2 दिन, इसमें क्या क्या पॉसिबल है? इन रिमेनिंग 2 डेज देयर आर या तो आपका गाइस मंडे ट्यूसडे हो जाए, मंडे एंड ट्यूसडे, राइट, या फिर हमारा क्या हो जाए? ट्यूसडे एंड वेडनेसडे हो जाए, ठीक है, या फिर वेडनेसडे एंड थर्सडे हो जाए, या फिर थर्सडे एंड फ्राइडे हो जाए, ठीक है. या तो मंडे ट्यूसडे हो जाए, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे भी हो सकता है, फ्राइडे एंड सैटरडे भी हो सकता है गाइज हम लोगों का, ठीक है ना. एंड नाउ सैटरडे एंड संडे भी हो सकता है. एंड इससे अलग हम लोगों का संडे एंड मंडे भी हो सकता है. एंड मंडे के बाद तो मंडे ट्यूसडे वापस यहीं आ जाएगा. क्या इनसे अलग कोई पॉसिबल है? मींस जो वो 2 दिन है उनमें से मंडे, एक दिन मंडे, एक दिन ट्यूसडे हो जाए, एक दिन ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाए, मतलब ये पॉसिबल आउटकम्स आपके हो सकते हैं. ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. दैट मीन्स यहाँ से इन 2 डेज में डेज कितने, कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसे पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे? 7 हो गए. सो फॉर रिमेनिंग 2 डेज टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू कितना हो गया गाइस? 7 हो गया, राइट. नाउ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? बात किसकी की है हमने? संडे की. 53 संडे हो जाए, ठीक है. तो फेवरेबल आउटकम्स यानी कि हम संडे की बात कर रहे हैं. संडे यहाँ पे देखते हैं कितनी बार आया, क्या यहाँ पे आया? यस, एक बार यहाँ आया और एक बार यहाँ आया, ठीक है. या तो सैटरडे संडे और संडे मंडे, जब ऐसा हो सकता है उन दो दिन में, दैट मीन्स हमारे 53 संडे हो सकते हैं.
ठीक है, अगर इन दो दिन में से सैटरडे और संडे हो गया तब भी 53 संडे हो जाएगा, 53 संडे काउंट हो जाएंगे। अगर आपका डे मतलब उन दो दिन में एक दिन संडे और दिन मंडे पड़ गया तब भी आपके 53 संडे हो जाएंगे। इन दोनों में से कोई एक पॉसिबल हो सकता है। इट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए यहाँ पर आपके, 2 हो गए। क्लियर? नाउ प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। अब गाइस घबराने की जरूरत नहीं है कि हमने 52 को तो यूज़ ही नहीं किया है, हमने तो ये 2 डेज के लिए यूज़ किया है। अरे देखिए 52 तो आपके हो ही गए हैं, ठीक है, बाकी बचे हुए जो 2 दिन हैं उनके लिए ही तो बात हो रही है। उन्हें अगर उनमें से आपका कोई संडे आ जाता है तो यानी कि वो प्रोबेबिलिटी होगी, तो उसी को ही तो आपको कैलकुलेट करना है। ये तो आपका फिक्स है ही, ये 52 तो होंगे ही होंगे, तो बाकी के बचे हुए के लिए तो आप बात कर रहे हो ना कि इन 2 डेज में से अगर आपका संडे आ जाता है तो 53 संडे हो जाएंगे, ठीक है, तो उसी की प्रोबेबिलिटी तो हम लोग तभी तो कैलकुलेट होगी। तो यहाँ से हम देखेंगे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके, 2 हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 7 हैं। सो यहाँ से प्रोबेबिलिटी 53 संडे होने की कितनी हो गई गाइस, 2/7 हो गई। अब यहाँ से एक पॉइंट और क्लियर हो जाता है आपका, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। ये तो थी 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी 2/7। अगर आपसे पूछ लिया जाए 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी, तब भी गाइस आंसर यही होगा, क्योंकि जो आपके फेवरेबल आउटकम्स होंगे मंडे, और यहाँ पे 2 बार मंडे आया हुआ है, ठीक है। अगर आपसे ट्यूसडे होने की प्रोबेबिलिटी पूछ लेता, मतलब 53 ट्यूसडे, तब भी आपका यही आंसर होता। अगर आपसे पूछ लेता 53 थर्सडे तो भी यही आंसर होता, 53 फ्राइडे तो भी यही आंसर होता, 53 सैटरडे तो भी यही आंसर होता, ठीक है। सो इसलिए डरना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे समझना, कोई सा भी तो दिन दे दिया जाए बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। 2/7 पे आप आंसर लगा के आ जाइएगा। ऑर्डिनरी ईयर के लिए 53 डेज की प्रोबेबिलिटी होने के लिए पूछे, ठीक है, वो डे कोई सा भी हो तो 1/7 होगा। एंड लीप ईयर के लिए पूछे, अगर आपसे 53 संडे या 53 मंडे ट्यूजडे कुछ भी पूछे, कोई सा भी डे पूछे, देन आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/7 हो जाएगी। इस तरीके से गाइस हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ गया? वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए ये समझ आ गया, एंड फिर से क्वेश्चन को अगेन एक बार देख सकते हैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अगर थोड़ा सा भी डाउट हो। एंड गाइस प्रोबेबिलिटी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, पूरे चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर कर देगा, मस्ट है, देख लीजिएगा। एंड इन क्वेश्चन को तो बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं, अभी भी 10th 11th 12th में पूछे गए हैं, एंड गाइस इनसे अलग कॉम्पिटिशन के एग्जाम में पूछे गए हैं, लाइफ टाइम ये आपको हमेशा एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से कर दीजिएगा, बाय बाय, टेक केयर।